माय डियर स्टूडेंट्स हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। टुडे वी विल स्टडी अबाउट वर्क एनर्जी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। वर्क एनर्जी के फार्मूला वगैरह सभी याद कर लिए हैं, अच्छी बात है। देखिए अब इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। अरे और कुछ एक्टिविटीज दी हुई है उनके बारे में बताना है। ये फिजिक्स में जैसे कि जो टर्म वर्क है, वर्क की डेफिनेशन है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके आधार पर तुमको जो है बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा एक पॉन्ड में स्विमिंग, अब ये स्विमिंग करते हैं तो हाथों से फोर्स को बैकवार्ड साइड में लगाते हैं फोर्स को, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो होता है वो फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्ट जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ कहेंगे कि ये जो है निगेटिव वर्क। व्हेन सुमा पुशेस द वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट इज फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, द वर्क इज डन व्हाट इट इज निगेटिव। तो वर्क हो रहा है लेकिन निगेटिव वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर जो है जो पुश किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, उसके अपोजिट सारे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव वर्क। अंडरस्टैंड नेक्स्ट, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक, आंसर वेट ऑफ लोड इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हेंस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन इज 0। देखिए यहाँ पर जो है जो हॉर्स है वो मतलब डंकी है, उस पर लोड रखा हुआ है, उस पर लोड रखा हुआ है और उस पर वेट जो है वो डाउनवर्ड, कहाँ फोर्स लग रहा है, वेट क्या फोर्स है, डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है हॉरिजॉन्टल हो रहा है और वर्टिकली फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो 90 डिग्री का एंगल का है, कॉस 90 जीरो होता है, तो यहाँ पर जो है वर्क डन कैसा है 0। सो वर्क डन इज 0। नेक्स्ट, ए विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए बेल, विंडमिल जो है बेल से वाटर को लिफ्ट कर रहा है, विंडमिल डज वर्क इन लिफ्टिंग वाटर, द मूविंग ब्लेड्स ऑफ विंडमिल displaces water from the well in upward direction, इसमें जो upward direction में same direction इधर force लग रहा है, उसी same direction में displacement हो रहा है, तो work done by windmill is positive, तो work done यहाँ पर क्या है positive work हो रहा है। Understand, a green plant is carrying out photosynthesis, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट से के द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखिए इसमें इन फोटोसिंथेसिस डिस्प्लेसमेंट इज 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वहां पर वर्क डन क्या है 0 है, वर्क डन इज 0। नेक्स्ट, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन, इंजन जो है ट्रेन को खींच रहा है, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय इंजन एज इट अप्लाइज फोर्स एंड ट्रेन गेट डिस्प्लेस्ड इन सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए इंजन जो है ट्रेन को पुश कर रहा है, जो उसके डिब्बे हैं, तो जिधर फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव वर्क, तो हियर इज पॉजिटिव वर्क इज डन बाय इंजन। अंडरस्टैंड, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन,
सन में फोर गेम जो है ट्राई किए जाते हैं। नो वर्क इज डन एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है जीरो, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो कोई भी वर्क इसमें यहाँ पर जो है नहीं होगा। नेक्स्ट है इस शील बोर्ड इज मूविंग विद ए विंड एनर्जी, शील बोर्ड विंड एनर्जी चलता है तो इधर से विंड एनर्जी फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका जो है मूविंग हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा वर्क होगा है, वर्क किया जा रहा है पॉजिटिव वर्क किया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में विंड द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है और उसी डायरेक्शन में जो है बोट जा रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है। पॉजिटिव वर्क इज डन सेल बोट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय विंड, देयरफॉर पॉजिटिव वर्क इज डन, क्या है देयरफॉर पॉजिटिव वर्क इज डन, डू यू अंडरस्टैंड, समझिए अच्छी तरह से, ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्शन, ये यहां पर जो है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, जैसे कोई तुम कोई टुकड़ा वगैरह ईंट का फेंकते हो, जिस प्रकार से फेंकते हैं तेजी से, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, अभी हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमेशा वर्टिकली वर्क करता है, मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ये थ्रोन किया जाता है, इस प्रकार थ्रोन किया जाता है और यहाँ पर आकर ये फिर करता है, तो ये वर्टिकल लेवल यहाँ से देखिए, तो यहाँ जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये एकदम डाउनवर्ड।